सो फाइनली बिग बॉस के घर से निकलने के बाद मूस जट्टाना ने अपने ही घर को बना लिया बिग बॉस का घर। और क्या कुछ कर रही है मूस, चलिए आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आपको बता दूं कि बेसिकली मूस जट्टाना इज एन एंटरटेनर। एक्चुअली बिग बॉस के घर में भी वो काफ़ी एंटरटेनमेंट का डोज देती रहती थी फैंस को, एंड लगातार अब अकेली वो मूस जो है वो घर से बेघर होने के बाद भी अपने घर को उन्होंने बिग बॉस का घर बना लिया है, जहां पर वो बिग बॉस बनकर अनाउंस कर रही हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि मूज अभी झाड़ू और पोछा लगाए, जहां पर मूज झाड़ू लगा रही हैं, पोछा कर रही हैं। फिर वो बोलती हैं कि अगर मैं शमिता होती तो शमिता क्या करती, शमिता कोई काम नहीं करती हैं, वो बैठी रहती हैं। वो आपको बता दूं कि मूस बेसिकली हर एक कैरेक्टर का एक्ट करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो राकेश हो, चाहे वो शमिता हो, चाहे दिव्या हो, चाहे निशांत हो और चाहे प्रतीक हो, हर किसी की एक्टिंग करती हुई मूस जट्टाना नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये वीडियो है जो उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया है। और वेल, उन्होंने बोला कि जब इवन उन्होंने दिव्या को लेकर ये बात कही कि मूस क्योंकि अब हो चुकी है घर से बेघर, तो निशांत को दिव्या कहेगी क्यों ना हम दोनों कनेक्शन बन जाए। और ऐसे में आपको बता दूं कि मूज का ये जो फनी एंटरटेनिंग सा अवतार है, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लगातार तहलका मचा रहा है। फैंस इस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं मूज की। मूज इज लिटरली एंटरटेनर, क्योंकि मूज अकेली भी रहती हैं तो वो एंटरटेनमेंट करती हैं और कर सकती हैं। दिस इज द लाइव प्रूफ गाइज, आप देख सकते हैं कि वो अकेली हैं कमरे में, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी एक सॉलिड एंटरटेनमेंट का डोज दे रही हैं मूज। सो वेल, क्या कुछ ना चाहेंगे आप मूस जट्टाना के इस वंडरफुल वीडियो को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।